अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सब सही होंगे। न्यू अपडेट के साथ मैं आपके सामने फिर हाजिर हो चुके हैं। अगर आप कुवैत में रहते हैं या कुवैत की खबरों से पल पल के लिए अपडेट रहना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखें, क्योंकि मैं आपको इसमें काफ़ी बेहतरीन इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और आप किसी भी देश से हैं तो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो हो जाती है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तो हम बात जो करेंगे अब कुवैत से रिलेटेड, काफ़ी बेहतरीन जो आपको मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ, और ये उन लोगों के लिए हैं जो लोग इलीगल कुवैत के अंदर रहते हैं या किसी भी देश से हैं, तो उनके लिए मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो अभी तक, जो 1 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक जो कुवैत सरकार ने छूट दे रखी थी इलीगल लोगों के लिए, सभी देशों के लोगों के लिए, तो टोटल उसमें जो लोगों ने काम कराया है वो 23,500 लोगों ने तकरीबन काम कराया है, और इसमें जो तकरीबन इलीगल लोग थे वो 1.5 लाख से ऊपर थे। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी तादाद में जो थे इलीगल लोग थे, लेकिन बहुत कम लोगों ने जो है काम कराया है। अब बात, सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि सर हमें वाइट पासपोर्ट नहीं मिला है, तो वाइट पासपोर्ट का हमें क्या करना है, हम जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे? तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपको वाइट पासपोर्ट मिल गया है या नहीं मिला है, तो जिन लोगों का काम हो गया है तो कुवैत सरकार उनको अभी जो है, किसी भी देश की सरकार उनको अभी लेने के लिए तैयार नहीं है। आप इंडियन हैं तो इंडियन सरकार अभी तैयारी कर रही है अपने देशवासियों को लेने के लिए, आप मिस्री हैं तब भी तैयारी चल रही है। तो ये सारे देशवासी, जैसे अभी कुवैत सरकार ने जिस जिसका काम किया है वो अपनी जगह पर उनको रखा है, खाना पीना रहना सारा कुछ दे रही है, और जैसे ही आपको अगर पासपोर्ट मिलता है, अब आपने फॉर्म वगैरह भरा है, पासपोर्ट मिलता है तो आपको भी वहाँ पे ले लेंगे। लेकिन जैसे ही कोई नया ऐलान होता है कि भाई हाँ दोबारा से मौका आप लोगों को दिया जाए जो इलीगल लोग हैं, तो ज़रूर मैं आपको इसी चैनल पर अपडेट करूंगा। तो अभी तक तो है कुवैत सरकार का कोई भी इस तरह का ऐलान नहीं है नए अपडेट के लिए कि भाई इलीगल लोगों का दोबारा से काम शुरू होगा या नहीं होगा। और काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं कि हमें पासपोर्ट नहीं मिला, हम जाएंगे नहीं जाएंगे, तो वो जब आपका पासपोर्ट आपको एम्बेसी दे देगी तो आप की एम्बेसी आपको बताएगी कि भाई आप जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे अब, क्योंकि वो जो जो चीज़ है आप एम्बेसी से क्लियर करें। हालांकि मेरी नॉलेज में जहां तक बात है, आप लोग अगर पासपोर्ट आपको मिल जाएगा तो हो सकता है आप जा पाएँ, लेकिन अगर नहीं मिलता है पासपोर्ट आपको मिलने के बाद में अगर नहीं जा पाओ तो आप पासपोर्ट अपने पास में रखना है, इंशाल्लाह फिर जैसे ही अगला जो है अगर कोई ऐलान करती है इस तरह का कोई सरकार, तो आपको जो है मौका तुरंत दिया जाएगा। तो ये नई अपडेट थी, सोचेगा आप लोगों को बताया जाए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इन फ्यूचर आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे और आप हमेशा हमारे साथ में जुड़े रहें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली वालों का ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।